गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। वर्ल्ड लिवर डे के मौके पर मैं कुछ लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात करूंगा। सबसे ज्यादा जो सामने आती है समस्या वो है हेपेटोमेगली। आप कभी भी अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें आता है कि आपकी लिवर की साइज इनलार्ज है। आप कभी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं वो बोलते हैं कि आपकी लिवर की साइज बढ़ी हुई है, आपकी लिवर में सूजन है। तो जो हेपेटोमेगली है या बढ़ी हुई लीवर की साइज है, इसको साइंटिफिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे हम। नाउ लीवर को आप ध्यान से देखिए। जहां तक लीवर का सवाल है, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, ये वेज शेप्ड ऑर्गन है, जैसा इसका शेप दिखाई दे रहा है इन द फोटोग्राफ। ये दाईं तरफ, ये पसली के अंदर बिल्कुल यहां पे सिचुएटेड होता है। अगर हम ऊपर से नीचे तक लीवर की साइज को देखें तो ऊपर से लेकर नीचे तक इज अप्रोक्सीमेटली 5.5 इंचेस या आधा फीट होती है, जो इसकी विड्थ को आप कह सकते हैं, जो टॉप टू बॉटम है। नाउ अगर हम इसकी साइज को ध्यान से देखें तो साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि डिपेंडिंग अपॉन योर सेक्स, डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी साइज, इस पर ही डिटरमाइन होगी कि आपकी लिवर की साइज क्या होगी। आपकी बॉडी की साइज ज्यादा है, लिवर की साइज ज्यादा होगी। जो लिवर का वेट है ऑन एन एवरेज करीब 1200 ग्राम है या 1.25 किलो के आसपास का है। दैट इज द एवरेज वेट ऑफ द लिवर। जो इसका कलर है वो डार्क मेरून या ब्राउनिश कलर का होता है, रेड कलर नहीं होता है। नाउ जहां तक हेपेटोमेगली का सवाल है, जब ये क्वेश्चन आता है कि अल्ट्रासाउंड में आया कि हेपेटोमेगली है, तो हेपेटोमेगली क्या है? हेपेटोमेगली सिर्फ एक चीज इंडिकेट करती है कि आपकी लिवर की साइज बढ़ी हुई है। जो लिवर की साइज बढ़ी हुई है, इसके हजार कारण हो सकते हैं, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो हेपेटोमेगली है ये अपने आप में कोई बीमारी, अपने आप में कोई डायग्नोसिस नहीं है। जो हेपेटोमेगली है सिर्फ इस चीज का इंडिकेशन है कि आपका जो लिवर है उसकी साइज सामान्य से ज्यादा है। जो हेपेटोमेगली है वास्तव में बहुत सारी जो डिफरेंट कंडीशंस हैं उसको इंडिकेट करती है, या उस तरह की जो कंडीशंस हो सकती हैं। अगर हम ध्यान से देखें कि अगर हेपेटोमेगली है या लिवर की साइज बढ़ी हुई है, तो वास्तव में क्या सिम्टम्स आएंगे आपको? काफी संभावना है कि कोई सिम्टम ना आए। ऑलमोस्ट 60-80% लोगों को कोई भी सिम्टम्स नहीं आते हैं। जो सिम्टम्स आते भी हैं तो वो इस तरह के हैं कि दाईं तरफ इस पसली के नीचे या पसली के अंदर आपको एक प्रेशर महसूस हो सकता है। ये प्रेशर के अलावा हल्की सी टेंडरनेस या हल्का सा पेन हो सकता है, जिसे आप डल एकिंग पेन कहते हैं। कभी कभार इसमें शार्प शूटिंग पेन भी होते हैं, बट दे आर रेयर। द मोस्ट कॉमन इज द टेंडरनेस या हल्का सा प्रेशर की फीलिंग। नाउ जैसे जो हेपेटोमेगली है, लिवर की साइज है, वो अचानक बढ़ गई है। अगर अचानक बढ़ गई है तो सिम्टम ज्यादा होंगे, इन सिम्टम जल्दी आएंगे। और अगर लीवर की साइज धीरे 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 बढ़ी है तो सिम्टम्स मिनिमल आएंगे या सिम्टम्स नहीं आएंगे। तो इस पर डिपेंड करता है कि क्या लीवर की साइज अचानक तेजी से बढ़ी तो सिम्टम्स दिखाई देंगे, और अगर धीरे धीरे बढ़ी है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कोई सिम्टम्स दिखाई ना दे। Now, जो सिम्टम्स आते भी हैं उनको आप एक बार ध्यान से देखिए। सिम्टम इस पर डिपेंडेंट है कि अंडरलाइंग क्या रीजन है जिसके चलते लीवर की साइज बढ़ी। जो सिम्टम्स आएंगे वास्तव में वो डिपेंडेंट अपॉन कि जिस बीमारी के चलते लीवर की साइज बढ़ी हुई है। तो वो जो बीमारी है उसके जो सिम्टम्स हैं वो वास्तव में ज्यादा प्रिडोमिनेंट होंगे रादर देन इंक्रीज साइज ऑफ द लीवर। तो इसलिए जो रीजन है हेपेटोमेगली का या जो कारण है जिसके चलते लीवर की साइज बढ़ी, उसके जो सिम्टम्स हैं वो ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं रादर देन साइज ऑफ द लीवर इटसेल्फ। तो इसलिए साइज इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके काजेज जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नाउ अगर हम काजेज की बात करें तो ये वाइड रेंज है, बहुत सारे कारण हैं जो जिसमें लीवर की साइज बढ़ती है। सबसे ज्यादा जो कॉमन काजेज हैं उनमें नंबर एक पे आते हैं इन्फेक्शंस। जब हम इन्फेक्शंस की बात करते हैं तो आप एक बार ध्यान से देखिए, जो इन्फेक्शंस हैं वो वायरल हो सकते हैं। जो सबसे ज्यादा हमारे कंट्री में या डेवलपिंग कंट्री में प्रोमिनेंट है वो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है या क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस है। जो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है वो हेपेटाइटिस ए के चलते हो सकती है, बी के चलते हो सकती है, सी के चलते हो सकती है, या हेपेटाइटिस ई के चलते होती है। इसमें से हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई पानी के चलते
चलते आते हैं या वाटर बॉर्न वायरसेस हैं, जबकि बी और सी वास्तव में ब्लड के थ्रू आते हैं। तो इन्फेक्शन आर द मोस्ट कॉमन रीजन जिसके चलते लिवर की साइज बढ़ जाती है। ऐसे ही कभी लिवर में अमीबियासिस के चलते फोड़ा बन जाता है जिसे कहते हैं अमीबिक लिवर एप्सिस, तो लिवर की साइज बढ़ जाएगी। तो जो इन्फेक्शन हैं वो लिवर की साइज बढ़ने के नंबर वन रीजन में आते हैं। नंबर दो पर आते हैं टॉक्सिन्स। जो टॉक्सिन्स हैं, जो टॉक्सिक मटेरियल हैं, वो अगर कोई प्रॉब्लम करते हैं तो उससे लिवर की साइज बढ़ जाती है। जब मैं टॉक्सिन की बात करता हूं तो मैं अल्कोहल भी इंक्लूड करता हूं। आप ज्यादा शराब पीते हैं, आप लंबे समय से शराब पी रहे हैं, उसके चलते जो लिवर डैमेज होगा तो लिवर की साइज बढ़ जाएगी, और लिवर की साइज बढ़ेगी तो लिवर में फैटी लिवर, उसके बाद अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, वो सब इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो डेवलप हो जाएंगी। द टॉक्सिन्स आर नंबर टू। नंबर थ्री, बहुत सारे जेनेटिक डिसीजेज हैं जो वास्तव में बच्चों में ज्यादा होती हैं लेकिन वो एडल्ट्स में देखी जाती हैं। ये विल्सन्स डिजीज हो सकती है, ये गॉसर्स डिजीज हो सकती है, ये नीमन पिक डिजीज हो सकती है। तो इस तरह के जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनके चलते लिवर की साइज बढ़ती है। नंबर चार पर आते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। जो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है, दैट इज द मोस्ट कॉमन रीजन। ये आपकी बॉडी के खुद के इम्यून मैकेनिज्म के डिस्टर्बेंस के चलते आती है, जिसके चलते ये दिक्कत खड़ी हो जाती है। और नंबर चार पर आते हैं वास्तव में जो बिनाइन और कैंसरस ट्यूमर्स। अगर लिवर के अंदर कोई भी ट्यूमर बन रहा है, चाहे वो बिनाइन हो चाहे कैंसरस हो, लिवर की साइज बढ़ेगी। एंड द लास्ट एंड पॉसिबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द फैट। अगर आपके लिवर के अंदर फैट डिपॉजिट हुआ, आपको फैटी लिवर हुआ, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो लिवर की साइज वो बढ़ेगी, और लिवर की साइज बढ़ेगी तो आपको कुछ 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 सिम्टम्स धीरे धीरे आएंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें कि ऐसे कौन से ग्रुप्स हैं कारणों के जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो नंबर वन पर आते हैं इन्फेक्शंस, नंबर टू पे आते हैं टॉक्सिन्स लाइक अल्कोहल, नंबर तीन पर आते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक विल्सन्स डिजीज, नंबर चार पर आते हैं ऑटो इम्यून डिजीज लाइक अल्कोहल ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, नंबर पांच पर आते हैं ट्यूमर्स जो कैंसरस हो सकते हैं, नॉन कैंसरस हो सकते हैं, एंड द लास्ट पॉसिबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द फैट जो फैटी लिवर को लेके चलता है। नाउ जब भी हेपेटोमिगेली होगी, लीवर की साइज बढ़ी हुई है और आप डॉक्टर के यहां जाएंगे, तो डायग्नोसिस के लिए थोड़े से कुछ टेस्ट एंड एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला जो काम है, जब आप हमारे पास आते हैं तो हम एक रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। इस आपका जो लिवर है उसकी हम साइज देखेंगे, उसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे, हम देखेंगे कि उसमें कहीं कोई पेन या कोई टेंडरनेस तो नहीं है। हम इसको देखेंगे कि जो कॉस्टल मार्जिन है इसके नीचे लिवर कितना एनलार्ज दिखाई देता है। अब परकशन करके इस चीज की जो साइज है उसको जज करने की कोशिश करेंगे। जो परकशन मेथड है, इससे जो लिवर का स्पान है उसको वास्तव में हम मार्क कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। जो हिस्ट्री है इन फिजिकल एग्जामिनेशन है, साइंस ऐसा मानती है कि इसको प्रॉपरली कंडक्ट किया जाए तो 90% पेशेंट्स में हम जो हेपेटाइटिस है या सॉरी जो हेपेटोमेगेली है इसकी रीजन को क्लियर कर सकते हैं। इसका मतलब है हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकंड वन इज द ब्लड टेस्ट। सर्टेन ब्लड टेस्ट वुड बी रिक्वायर्ड। उसमें लीवर फंक्शन टेस्ट चाहिए, उसमें सीरम बिलरुबिन एसजीपीटी अल्कलाइन फास्फेटेस चाहिए, उसमें आपके जो ना प्रोटीन्स चाहिए, देन उसके बाद हमें ल्यूकोसाइट काउंट चाहिए कि कहीं कोई इंफेक्शन तो नहीं है जिसके चलते आपका टोटल ल्यूकोसाइटिक काउंट ऊपर की तरफ चला गया है। नंबर तीन पर कुछ ट्यूमर मार्कर्स हैं जैसे अल्फा फीटोप्रोटीन या वायरल मार्कर्स हैं हेपेटाइटिस ए बी सी ई के लिए, इनकी जरूरत पड़ेगी जो ब्लड टेस्ट के परव्यू में आते हैं। तो अगर लीवर की साइज बड़ी है तो कुछ ब्लड टेस्ट की जरूरत पड़ेगी जो हम कंडक्ट करेंगे। द नेक्स्ट वन इज द इमेजिंग। द मोस्ट कॉमन, मोस्ट प्रेवलेंट एंड मोस्ट इनएक्सपेंसिव इज द अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड गांव-गांव में अवेलेबल है, अल्ट्रासाउंड एकदम सस्ता है, अल्ट्रासाउंड एकदम नॉन इन्वेसिव है एंड एब्सोल्युटली पेनलेस है। एंड जो अल्ट्रासाउंड है हमें बहुत सारी जानकारी देता है, एंड जो लिवर की साइज बढ़ी हुई है उसके 99% जो रीजंस हैं वो वास्तव में अल्ट्रासाउंड से क्लियर हो सकते हैं। एंड अगर आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम है तो अल्ट्रासाउंड को रेडिली आइडेंटिफाई कर सकता है। द नेक्स्ट इमेजिंग की जो मॉडेलिटी है इज द सीटी स्कैन। ये सीटी स्कैन भी नॉन इन्वेजिव है,
ये थोड़ा सा एडवांस टेस्ट है, वो सब जो प्रॉब्लम्स हैं जो अल्ट्रासाउंड में आइडेंटिफाई हुई लेकिन उनमें कोई क्वेश्चन लगा हुआ है, तो वो जो सिटी स्कैन है उनको क्लैरिफाई कर देता है। इफ देयर इज अ ट्यूमर, उसमें क्वेश्चन है कि ये ट्यूमर बिनाइन है, कैंसरस है, सिटी क्लियर करेगा। और अगर कोई ट्यूमर है वो हेमेंजियोमा है कि नॉन हेमेंजियोमा है, तो सिटी स्कैन उसको क्लियर करेगा। अगर लीवर के अंदर कोई सिस्ट दिखाई दे रही है, वो लीवर एप्सिस है कि हाइड्रेटेड सिस्ट है, तो जो सिटी स्कैन है उसको क्लियर करेगा। तो डेफिनेटिव इंफॉर्मेशन इन कंपैरिजन टू अल्ट्रासाउंड हमें देता है तो सिटी स्कैन देता है, उसकी हमें जरूरत पड़ती है। नाउ बहुत बार ऐसा हो जाता है एट द एंड कि सब क्लियर होता है, उसके बावजूद भी फाइनल डायग्नोसिस सामने नहीं आती है। अगर फाइनल डायग्नोसिस नहीं आती है सामने और क्वेश्चंस जो बने रहते हैं, तो कभी हमें लीवर बायोप्सी की जरूरत पड़ती है, एक छोटा सा टुकड़ा लीवर के निकालने की जरूरत पड़ती है। इससे हमें टिश्यू डायग्नोसिस मिलती है, एंड वास्तव में ये फाइनल डायग्नोसिस है जो हमें इससे मिलती है। द नेक्स्ट वन इज द एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस। अगर लीवर की प्रॉब्लम के चलते पेट के अंदर पानी भर गया, तो कभी हमें थोड़ा सा पानी निकालना पड़ता है जांच करने के लिए कि वास्तव में ये पानी क्यों आया। तो अगर हम हेपेटोमेगाली की बात करें तो सिर्फ एनलार्ज लीवर है, जो एनलार्ज लीवर है उसके बहुत सारे कारण हैं, जो बहुत सारे कारण हैं उन वो ही डिटरमाइन करेंगे कि आपको किस तरह के सिम्टम्स आएंगे। और जब आप हमारे पास आते हैं कि आपकी लीवर की साइज बढ़ी हुई है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम फिजिकल एग्जामिनेशन के अलावा कुछ ब्लड टेस्ट, कुछ अल्ट्रासाउंड, जरूरत पड़ी हुई तो एक सीटी स्कैन जैसे टेस्ट करते हैं, टू फाइंड इट आउट एंड मेक इट फाइनल कि ये जो आपकी लीवर की साइज बढ़ी हुई है इसके पीछे क्या कारण है एंड इसका क्या निवारण किया जा सकता है। तो जहां तक हेपेटोमेगाली का सवाल है, इट इज जस्ट एनलार्ज लीवर, ना ये कोई डिजीज है ना ये कोई सिम्टम है, सिर्फ एनलार्ज लीवर है। उसको आगे हमें चल के इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि वास्तव में क्या कारण है। अगर एनलार्ज लीवर या हेपेटोमेगाली, इसको समझने में ये वीडियो हेल्प करता है, इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लीवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर, थैंक यू वेरी मच।